हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मोहित गुप्ता है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल MG टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ VBA के बारे में। VBA यानी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। ये आपका एक्सेल का एक पार्ट होता है, जो एक्सेल में ही होता है। आपके VBA टैब होता है, मतलब डेवलपर का एक टैब होता है, उसमें से आप VBA का यूज कर सकते हैं। VBA का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। इससे आप मतलब कि कुछ माइक्रोस बना सकते हैं, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर हो गए, कोई भी बनाना है, फॉन्ट का बनाना है, बोल्ड, टैली, कुछ भी एनी सॉफ्टवेयर हम यहाँ से बना सकते हैं। माइक्रो के मतलब सॉफ्ट, मतलब बोल सकते हैं आपकी माइक्रो के सॉफ्टवेयर, तो अब यहाँ से कुछ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि VBA काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग चलते हैं अपने MS Excel चलते हैं। तो मैंने ये अपना MS Excel ओपन कर लिया है। यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ले लिया। ब्लैंक वर्कबुक लेने के बाद मुझे इसमें करना है VBA की कोडिंग करनी है। तो VBA है क्या? VBA आपका एक तरह से मान लीजिए एक लैंग्वेज है, कोडिंग है। जैसे कि आपका C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, इस तरह से जो उसकी कोडिंग होती है सेम इसी तरह होती है। जैसे कि आपने सुना होगा VBA, सुना होगा VBA यानी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, वो थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का था, और ये है VBA मतलब विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, उससे थोड़ा छोटा वर्जन है। मतलब कि उससे बहुत ही छोटा काम करता, मतलब छोटा वर्जन है ये। आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हर मतलब कि सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है। जैसे कि आप MS Excel ले लेंगे, MS Word हो गया, MS PowerPoint हो गया, या MS Excel, Outlook, जो भी हुआ, ये सभी में अवेलेबल होता है। बस इस टैब को ऑन करने जरूरत होती है। तो ये टैब ऑन कैसे होता है, तो आइए हम लोग जानते हैं कैसे ऑन करते हैं टैब को। आप अपने फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद आप ये ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको ये कुछ इस तरह से ये विंडो दिखेगी। इसके बाद आपको कस्टमाइज रिबन पे जाना पड़ेगा। कस्टमाइज रिबन पे गए, इसके बाद आपको डेवलपर, ये आपको राइट साइड देंगे होम टैब में। होम, ये आपके टैब इतने सारे, ये होम टैब हो गए, इंसर्ट पे लेआउट, और ये देखिए आपको यहाँ पर डेवलपर टैब दे रहा है। तो आप इस डेवलपर टैब को ऑन कर लेंगे। डेवलपर टैब पर क्लिक कर दिया एंड यहाँ से ओके कर दिया। तो ये देखिए आपका एक डेवलपर टैब यहाँ पे आ जाएगा। तो आइए इसको कैसे यूज करते हैं बताते हैं। तो फ्रेंड्स, तो इसके लिए पहले हम अपने फाइल को एक सेव कर लेते हैं। फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे एंड ब्राउज लोकेशन। इसके बाद आप जहाँ फाइल आपको सेव करनी है वहाँ पर जाएंगे, डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर लेते हैं। मुझे बनाना है, आज बताएंगे इसमें हम कि अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैली एंड अंडरलाइन कैसे करें। तो इसके लिए फाइल को दे देते हैं हम फॉन्ट ओके। यहाँ से सेव एज टाइप कर लेंगे। तो मुझे इसकी फाइल को सेव करना है एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक पे क्लिक करना है, ठीक। इस पर मुझे फाइल को सेव करना है। इसके बाद सेव कर देंगे, ये आपकी फाइल सेव हो गई कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको डेवलपर टैब में जाना है। डेवलपर टैब में जाने के बाद आपको कंट्रोल्स पे जाने हैं। कंट्रोल पे जाएंगे, ये आपको देखिए इंसर्ट का ये टूल्स दे रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। आप पहले बटन बनानी है एक, तो आप ऐसे बटन क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेंगे बटन को। यहाँ पे बटन का नाम दे देंगे, वो बटन देना माइक्रो का, तो माइक्रो नाम दे देते हैं ऐसे कि फॉन्ट नाम दे दिया एंड ओके कर दिया। तो ये बटन का नाम हो गया है। अब यहाँ से इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे नाम दे देते हैं फॉन्ट, बाहर क्लिक कर देंगे, ये हो गया बाहर क्लिक, ओके। अब मुझे इस पर कोडिंग करनी है, तो कोडिंग करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे। यहाँ से पहले इसको जो फॉर्मेट देना चाहिए दे देंगे, बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट यहाँ से बढ़ा देते हैं, ओके। इसके बाद मुझे विजुअल बेसिक को ओपन करना है।
तो विजुअल बेसिक ओपन आप यहाँ से करेंगे, डेवलपर में जाएंगे, ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉर्नर दे रहा है आपको विजुअल बेसिक ऑप्शन, आप चाहे यहाँ से क्लिक करें या इसकी शॉर्टकट की होती है Alt प्लस F11, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे चले गए, अब इसके बाद हमको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने बाद आपको यूज फॉर्म करना है, यूज फॉर्म आपने ले लिया है। यूज फॉर्म लेने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये मेरा यूज फॉर्म हो गया है। अब इसमें मुझे ये जो फॉर्म है इसमें मुझे ड्राइंग करना है, मतलब कि इसमें मुझे क्या बनाना है। मुझे बनाना है कि एक चाहिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, और मुझे तीन बटन चाहिए जिसमें बोल्ड इटैली अंडरलाइन हो, मतलब जिस पे क्लिक करेंगे वो हो जाए सेम। तो इसके लिए हम डाल लेते हैं, ये लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं अपना। मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ से इसको ड्रैग कर लिया। ओके, ये मैंने ड्रैग कर लिया, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स तैयार हो गया है। यहाँ से आप इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी में जाके फॉर्मेटिंग थोड़ा चेंज कर देंगे, चाहे करना चाहें। ये आपका वाइट है, वाइट रहने दे देंगे, और थोड़ा साइड में आएंगे इसको बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट, ये आपका फॉन्ट हो गया है, और मुझे फॉन्ट साइज को बड़ा करना है। तो ये आपके गए हम फॉन्ट साइज पे, ये आपका हाइट आ गया, हाइट नहीं बढ़ानी है, फॉन्ट साइज बड़ा करना है। फॉन्ट साइज आपका इस पे गए आपने, इस पे आप अपने फॉन्ट को बड़ा कर लेंगे पहले। जैसे कि थोड़ा वेट करिए, ओपन हो रहा है, ये हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब इसको ओके कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे, इसको बड़ा कर दिया, ये मेरा हो गया है टेक्स्ट बॉक्स तैयार। अब इसके बाद मुझे बटन बनानी है, तो बटन के लिए आप टूल बॉक्स में जाके ये कमांड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रैग कर लेंगे, ये आपका हो गया बोल्ड का बन गया। ओके, अब इसको चाहे दोबारा बनाएं या इसको कंट्रोल को होल्ड करके कॉपी कर लेंगे, ऐसे कॉपी हो गया आपका ये। ओके, अब इसको एडिट करना है, तो यहाँ से आप जाएंगे कमांड पे जाएंगे, यहाँ पे आप इसको नाम चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने बोल्ड, बोल्ड कर दिया। यहाँ पे फॉन्ट पे गए, फॉन्ट इसको मैंने बड़ा करके बोल्ड कर देंगे, ये मैंने बोल्ड कर दिया। फॉन्ट इसको 14 कर लगा दिया, ओके कर दिया। तो ये हो गया फॉन्ट, कमांड बटन नाम दे दिया था। अब यहाँ से इसका कैप्शन बदलना है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है कमांड इसको बदलना है, पी कर देंगे। तो ये आपका हो गया है इस तरह से, कलर चाहे कलर में करना चाहे कलर कर देंगे, कोई भी कलर हाईलाइट के लिए, बैकग्राउंड में भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसको ब्लैक कर सकते हैं, चाहे तो आप ब्लैक कर देंगे अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगेगा। इसको चाहे तो डिलीट करके दोबारा इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये कॉपी हो गया आपका, ये कुछ इस तरह से कॉपी हो गया। इसको थोड़ा यहाँ से सही से आप कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे इसको थोड़ा, इसको आप कर देंगे बोल्ड, इसको इटैली कर देंगे, इसको यहाँ पे यूज फॉर्म पे जाएंगे, इसको आप कर देंगे अंडरलाइन, यू कर देंगे। ये आपका कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसके बाद मुझे जो कोडिंग करनी है, तो कोडिंग किस तरह करते हैं ये आपको बताते हैं। कोडिंग करने के लिए आप इसको, ये आपका बी जो कमांड बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर कोडिंग कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी, तो इस पर आपको कोडिंग लिखनी होगी। इसकी कोडिंग बताते क्या होती है, आप इसमें टाइप करेंगे कंडीशन लगानी, इसमें लगानी इफ़ कंडीशन लगेगी, जैसे कि आप एक्सेल लगाते हैं इफ़ कंडीशन, टेक्स्ट टाइप करते हैं उसमें लगाना है ये बोल्ड, क्लिक करेंगे बोल्ड डालना चाहिए, और अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे अंडरलाइन चाहिए। तो इसी तरह से मैंने इस पर भी इफ़ कंडीशन लगानी है, तो कैसे लगाते हैं देखते हैं कैसे इसमें कोडिंग करी जाती है। तो पहले आप टाइप करेंगे इफ़ स्पेस टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड, इसके बाद
इसके बाद आपको इक्वल करना है, इक्वल के बाद आपको ट्रू देन टैप करना है, एंटर करना है। ओके, इसके बाद नीचे आप फिर टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट फॉन्ट, सॉरी बॉक्स वन वन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड, सॉरी गलत हो गया, फॉन्ट डॉट बोल्ड। आप टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के ये लगाया जाता है टेक्स्ट बॉक्स वन, ये सिलेक्ट किया मैंने इसको, टेक्स्ट बॉक्स वन पे मैं क्लिक करूँगा, मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स वन में जो लिखा हुआ है अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो उसमें जो बोल्ड वाला कमांड लगाया है तो बोल्ड हो जाएगा इससे, तो इसको मैंने बोल्ड किया इक्वल टू फॉल्स, तो ये मैंने फॉल्स कर दिया, एंटर किया। इसके बाद एंड लगाना है, यहाँ पे एंड के लिए हम यूज करते हैं एल्स का, ELSE, एल्स टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, ये हो गया मेरा टेक्स्ट बॉक्स वन। ओके सॉरी इसमें कुछ गलत हो गया, टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स वन, ओके स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गई, इसलिए अगर स्पेलिंग अगर इसमें जरा सी भी अगर स्पेलिंग से मिस हो जाएगी तो ये आपका कमांड काम नहीं करेगा, तो इसमें ये याद रखिएगा स्पेलिंग मिस नहीं होनी चाहिए। ओके तो ये हो गया है, अब इसको कमांड को बंद कर देते हैं, तो बंद करने के लिए आपको इसमें एंड इफ का प्रयोग करेंगे, ये आपका बंद हो जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट बटन तैयार हो गया। इस तरह से इसको सेव कर लेते हैं, इसके बाद दोबारा आप यूज फॉर्म पे जाएंगे, यूज फॉर्म जाने बाद आपको ये इटैली आई वाला है इस बटन पे क्लिक करेंगे, इटैली पे डबल क्लिक करेंगे, सेम आपको चाहे तो आप इसको टाइप करें या सेम इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने बाद यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके अब मुझे लगना है इटैली करना है, तो इटैली यहाँ टाइप कर लेंगे इटैली, आप इसको यहाँ से कट कर देते हैं ऐसे, यहाँ पे कट कर देंगे फॉन्ट डॉट इटैली, ये मैंने कर लिया है। इसके बाद इक्वल टू ट्रू ट्रू देन, इक्वल टू ट्रू देन, ये हो गया। इसी तरह आपको यहाँ भी सेम करना है, इटैली टाइप लिखना है इटैली, एंटर। इसी तरह आप यहाँ भी कर लेंगे, सेम उसी तरह कर लेंगे जैसे आपने वहाँ पे किया है, एंटर। ओके ये आपका सेकेंड बटन तैयार हो गई है इटैली के लिए, सेव कर देंगे, फॉर्म पर जाएंगे दोबारा, और इसके बाद आप यू पे डबल क्लिक करेंगे तो इस पर आपको फंक्शन लगाना है अंडरलाइन का, तो वहाँ से हमने कॉपी किया थे, मैंने इसको पेस्ट कर लिया हुआ है, अब यहाँ पे आप टाइप करेंगे अंडरलाइन, तो इसको बंद कर डिलीट कर देते हैं अंडरलाइन। ओके ठीक, तो ये हो गया है, तो यहाँ भी आप अंडरलाइन कर देंगे, जल्दी जल्दी सोचो कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी थोड़ा इस तरह कोडिंग तैयार हो गई है, तो आइए हम लोग उसको रन करा के देखते हैं। तो रन कराने के पहले इससे पहले आप यूज़ फॉर्म पे जाएंगे, यूज फॉर्म पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको रन सब यूजर फॉर्म ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से आप क्लिक करके आप अपने माइक्रो को रन करा सकते हैं जो आपने बनाया हुआ है। यह इसमें इसकी शॉर्टकट की होती है F5, F5 को प्रेस करेंगे तो ये इस तरह विंडो प्रॉपर विंडो खुल के आ जाएगी, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं आपने जो माइक्रो को कोडिंग करी है इसको आप यूज कर सकते हैं। आई हम लोग यूज करते हैं इससे, मैंने मान ली अपने चैनल नाम डाला है MG टेक्निकल, ये मैंने डाला है, इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर ली, आई देखते हैं हम लोग ये मेरा जो मैंने बनाया है उसकी एप्लीकेशन कोडिंग काम कर रही है नहीं कर रही है, तो मैंने ये बोल्ड पे क्लिक किया तो ये देखिए बोल्ड हट गया, यहाँ दोबारा क्लिक किया बोल्ड आ गया, इटैली पे क्लिक करेंगे तो इटैली हो जाएगा, और ये अंडरलाइन वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अंडरलाइन हो जाएगा। ओके तो ये आपका इस तरह से माइक्रो काम करता है, तो इस तरह से आपका विजुअल बेसिक यूज होगा। तो
इसमें आप बहुत चीज़ें बना सकते हैं। आगे हम इसको बताएंगे, आपको इसमें बहुत चीज़ें बताना बताएंगे, जैसे कि आप इसमें कैलकुलेटर बना सकते हैं या आप कुछ भी बना, मतलब छोटे छोटे आप कोई भी सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ शेयर।